नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 1D, नाम है कैपेसिटेंस और इसका पहला टॉपिक बनता हमारा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो गोजला था और गोजला में एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे हमने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यानी कंडक्टर इज जीरो। तो अगर वो कंडक्टर सॉलिड हो तो क्या होगा, देखिए हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसी कंडक्टर की अगर उसको प्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी लिखिए, पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो, चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो चाहे वो कंडक्टर क्या हो होलो हो, अगर उसको फील्ड में प्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर कितना होगा, जीरो होगा। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए मान लेते हैं ये दो, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलेंगी पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। ई नोट किसको दिखाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, एयर के अंदर, इसके बीच में अगर एयर हो तो। इसके यहाँ पे हमने क्या रखा, एक कंडक्टर रख दिया चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, मान लेते हैं सॉलिड रखा हम लोगों ने, तो ड्यू टू इंडक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है इनसाइड द कंडक्टर, इट इज ई पी या ई इंटरनल लेते हैं ई आई के लिए ई आई। ठीक है, अब देखिए एक फील्ड ऐसे जा रहा है एक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ऑब्जर्व किया गया कि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा, उसका वैल्यू है ई इज इक्वल टू इनसाइड द कंडक्टर ई नोट माइनस ई आई, ई नोट माइनस ई आई, क्योंकि डायरेक्शंस दोनों की क्या हैं, अपोजिट हैं। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आई कि ई नोट जितना फील्ड बाहर था एयर के अंदर उतना ही फील्ड इंटरनली बना, तो इनसाइड की वैल्यू कितनी हो गई, नेट फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो नेट फील्ड कितना होगा, जीरो। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो। सेकेंड पॉइंट डालिए नेट चार्ज इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो। हम चेक करेंगे क्या कंडक्टर के अंदर भी चार्ज होगा। देखिए हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था अभी कि नेट फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर कितना था, जीरो। अगर मैं गोजला को अप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो कितना है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट, क्योंकि ई का वैल्यू जीरो है, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो क्यू बाई एप्साइलन नॉट। यहाँ से देख सकते हैं नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पे, जीरो। नेट चार्ज इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो। थर्ड पॉइंट है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नेट चार्ज भी कितना होगा अंदर, जीरो। तो क्वेश्चन है कि चार्ज होगा कहाँ पे बॉडी के, अगर कोई कंडक्टर है इसको मैंने चार्ज किया तो कंप्लीट चार्ज बॉडी के सरफेस पे होगा, कंप्लीट चार्ज बॉडी के कहाँ पे होगा, सरफेस पे। इनसाइड का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो थर्ड पॉइंट डालिएगा कि नेट चार्ज इज ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट डालिए, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा। देखिए हमने बोला कि नेट चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस या एंड होंगी, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए फोर्थ पॉइंट एक बार लिखिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, नॉर्मल टू द
सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर नेगेटिव है तो लाइंस कहाँ पे एंड होंगी? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। एंड भी कहाँ पे होंगी? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, और निकले भी कहाँ से? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट है, लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। मतलब क्या इस बात का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पूरे सरफेस के लिए, किसी भी कंडक्टर के पूरे सरफेस के लिए, उसका वैल्यू क्या रहेगा हमेशा? कांस्टेंट। ऐसा क्यों किया? हमने रिलेशन पढ़ा था E और V के अंदर, तो इट इज़ dV/dt विद नेगेटिव साइन, dV/dl विद नेगेटिव साइन। अगर हम बोल सकते हैं कि E का वैल्यू अगर जीरो है तो लिखा जा सकता है यहाँ से, तो dV/dt का वैल्यू, dl का वैल्यू कितना होगा? इट इज़ जीरो। मतलब क्या है, किसी का डेरिवेटिव करते हैं उसका आंसर जीरो हो तो कब हो सकता है वो वैल्यू? सिर्फ जब वो चीज़ क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यानी v की वैल्यू में से क्या मिलेगी हमको? कांस्टेंट। v इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। पॉइंट डालिए, सिक्स पॉइंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट पॉइंट्स। क्या बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। मतलब क्या है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कितना चार्ज कितना एरिया पे आया हुआ है। अगर एरिया डिफरेंट होगा ऑब्वियस है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट एरियाज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये थे आपके बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज है रेस्ट पे रहेगा, शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन। हमें चार्ज से बचना हो, रेस्ट चार्ज के फील्ड से बचना हो तो कैसे बचेंगे? देखिए, सिंपल सा एग्जांपल मैंने बोला था आपको, मैंने एक बार में कंसिडर किया था कि आप चार्ज को शेयर मान लीजिएगा। अगर आपको शेयर से बचना है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप शेयर को पिंजरे में डाल दीजिए, या आप खुद पिंजरे में चले जाइएगा, शेयर बाहर रह जाए तो आप उस चीज़ से क्या हो सकते हो? बच सकते हो। तो देखिए, हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं। अगर उन डिवाइसेस को एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो या आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो हमको, तो उसकी हमको शील्डिंग करना पड़ता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसको एक बॉक्स में रखा जाता है, बताएंगे आगे अभी। तो एक बार देख लीजिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्या है, राइट कीजिएगा। इट इज़ ए फिनोमिना इन विच वी कैन प्रोटेक्ट ए सर्टेन रीजन फ्रॉम द एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सिंपल सा तरीका है, कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज है जो कि प्लेस किया गया है एक मेटेलिक बॉक्स के साथ। मान लेते हैं कोई चार्ज रखा गया है, ये कोई मेटेलिक बॉक्स है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उतना ही पॉजिटिव कहाँ पे हो जाएगा? आउटर दूसरी साइड पे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से, एंड कहाँ पे होंगी? नेगेटिव पे। प्रॉपर्टीज़ है, यानी एक फील्ड सेटअप हो रहा है इस डिवाइस के ऊपर, और एक फील्ड सेटअप हो रहा है इनसाइड द डिवाइस आल्सो ड्यू टू दिस एक्सेस फील्ड। अगर कोई डिवाइस इसके अंदर रखा जाता है तो वैसे अंदर वाला फील्ड उस डिवाइस को क्या कर सकता है? ख़राब कर सकता है।
तो एक प्रोटेक्शन कैसे की जाए इस डिवाइस से, तो हमने क्या किया, एक इसी बॉक्स को ऐसे रख दिया हम लोगों ने, ये पॉजिटिव पहले था, ऑब्वियस है चार्ज इंड्यूस्ड होना है, तो लाइंस स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से, एंड कहाँ पे होंगी, नेगेटिव्स के ऊपर, अभी वही काम हो रहा है। लेकिन जो ये पॉजिटिव यहाँ पे बना था ड्यू टू दिस नेगेटिव्स, उसको मैंने क्या कर दिया, इस सेकंड सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, इसको कनेक्ट किया जीरो पोटेंशियल के साथ, जिससे क्या होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो था वो ग्राउंड में चला जाएगा और नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो सारा कहाँ जा चुका है, जो एक्सेस चार्ज जा चुका है सारा कहाँ पे, ग्राउंड के अंदर, ये चार्ज इससे बाउंड है, तो नेट जो डिवाइस इसके अंदर रखा जाएगा ये डिवाइस क्या रहेगा, सेफ रहेगा फ्रॉम द एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास दो डायग्राम हैं, दोनों बनाइए, ये ए बी मान लेते हैं, लिख लीजिए, वी हैव ए कंडक्टर, वी हैव ए होलो कंडक्टर ए बी प्लेस नियर टू द पॉजिटिव चार्ज सो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर, ऑन द कंडक्टर, ठीक है। आगे लिखिए, व्हेन वी कनेक्ट दिस कंडक्टर विद ग्राउंड देन पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ, पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ, देन फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकेम जीरो एंड द डिवाइस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स या इनसाइड द कंडक्टर इज सेफ फ्रॉम द एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम द एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एंड दिस बॉक्स इज कॉल्ड फैराडे केज, फैराडे केज, पिंजरा बोल सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड फैराडे केज, ये वो पिंजरा है जो किसी डिवाइस को बचाता है एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसके बहुत से एग्जांपल हमने देखे हुए हैं घरों में, घरों में देखिए, हमारे पास एक स्टेबलाइजर होता है जो वोल्टेज इंक्रीज करता है, अगर उस डिवाइस को बचाना है तो क्या से बचाएंगे हम लोग, या उसके फील्ड से बचना है हमको, तो हमको क्या करना होता है, आपने देखा हुआ किसी वोल्टेज को एक मेटेलिक बॉक्स में रखा जाता है, या आपने ट्रांसफार्मर को देखा हो, सड़कों पे लगे हुए ट्रांसफार्मर देखा हो, तो उसको भी एक बॉक्स में रखा जाता है, किससे बचने के लिए, उसके एक्सेस फील्ड से बाहर वालों को बचाने के लिए, या उस पर बाहर वाले फील्ड से खुद को बचने के लिए, या आपने देखा हो किसी जनरेटर को एक बॉक्स में रखा जाता है, वही कंडीशन है, जो बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं जनरेटर को प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम द एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्रॉम द लाइटिंग्स ऑफ क्लाउड, वो क्या है, इट इज कॉल्ड फैराडे केज, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, देखिए कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो कैपेसिटी से आया है, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी है चार्ज लेना और चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन इस बॉडी का एक लिमिट है, चार्ज लेने की कैपेसिटी भी है, उसके बाद चार्ज क्या करेगा, ये लीकेज करेगा चार्ज का, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, कि वो एबिलिटी ऑफ द जो बॉडी की, वो एबिलिटी है जो चार्ज को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है अपने अंदर, ठीक है। तो लिख लीजिए एक बार, और सिंपल है, जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो क्या करेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, पोटेंशियल जो होता है फार्मूला, इट इज़ 1/4πε0 q/r, ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी जाए तो ऑब्वियस है, मैं लिख सकता हूँ v proportional to q, इसको लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, लिख लीजिए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, आगे लिखो इसको, आगे लिखिए, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो लिख सकते हैं q प्रोपोर्शनल टू v, ये भी सही लिख सकते हैं हम लोग,
ठीक है, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। इस साइन को हटाने के लिए हम क्या डालेंगे, कांस्टेंट डालेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी वेयर सी इज, सी क्या नाम है इसका, कांस्टेंट है ये सी, इसका नाम दिया गया कैपेसिटेंस। क्या नाम दिया गया इसको, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, वो एबिलिटी है किसी कंडक्टर का जो चार्ज को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। जितना चार्ज हम इंक्रीज करेंगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ले सकते हैं। इस साइन को हटाने के लिए हमने क्या डाला, कांस्टेंट डाला, इट इज क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो सिंपल है फार्मूला हमारा कैपेसिटेंस का, तो सी इज इक्वल टू क्या बना, क्यू बाई वी। दिस इज द फार्मूला ऑफ ए कैपेसिटेंस। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ सी फैरेड, यूनिट ऑफ सी इज ए फैरेड, इसको एफ से लिखते हैं। यूनिट ऑफ सी इज ए फैरेड, अगर आपको डिफाइन करना हो वन फैरेड को तो कैसे करोगे, कैपेसिटेंस वन फैरेड कब होगी, जब चार्ज कितना होगा वन कॉलम का, पोटेंशियल कितना होगा वन वोल्ट का। यानी यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं वन फैरेड क्या है, एक बार डिफाइन कीजिए इसको, वन फैरेड इज दैट कैपेसिटेंस इन विच वन कॉलम चार्ज राइज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर वन वोल्ट, राइज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर वन वोल्ट। एक कॉलम चार्ज अगर एक वोल्ट पोटेंशियल को राइज करता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, वन फैरेड कैपेसिटी रखता है वो। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ए वन फैरेड। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ सॉरी फैरेड, क्या लिखोगे, चार्ज बटे पोटेंशियल। चार्ज का फार्मूला होता है एटी, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एटी, और पोटेंशियल का क्या होता है, आपने याद हो पोटेंशियल को मैंने लिखा था, इट इज डब्ल्यू बाई क्यू, याद है डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने पोटेंशियल को लिखा था डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क का फार्मूला क्या होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू, चार्ज का एटी, तो पोटेंशियल का कितना होगा, यहाँ से देखिएगा, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो कितना फार्मूला बनेगा देखिए, एम माइनस वन एल टू टी फोर ए टू। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फैरेड या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए कैपेसिटेंस। ओके, देखिए वन फैरेड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो सिंपल फॉर्म में अगर देखें इसको छोटी यूनिट में बनाएं तो वन माइक्रो फैरेड ले सकते हैं। वन माइक्रो फैरेड कितना वैल्यू होता है, 10^-6 फैरेड, या वन मिली फैरेड 10^-3 फैरेड। वन फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत कम जगह भी यूज़ किया जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं मोस्टली केसेस के अंदर, माइक्रो या मिली यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर आपको किसी की कैपेसिटी निकालनी हो कि कितना चार्ज होल्ड रखता है तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लेते हैं ऑफ रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, सेंटर पॉइंट ओ, इसको मैंने प्लस चार्ज दिया क्यू चार्ज मान लेते हैं, वी हैव प्लस क्यू चार्ज्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कितना चार्ज या कितना कैपेसिटेंस है इसका, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है ये, तो कैसे निकालिएगा। जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना हो, सिंपल सा तरीका, फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला हमारे पास, C इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई वी। तो Q को आपको दिया होगा मोस्टली केसेस के अंदर, तो आपको सिंपल पोटेंशियल निकालना है और इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर। सिंपल फार्मूला है, कैपेसिटर फार्मूला क्या होता है, 1/4 πε0 q/r,
तो एक इस फार्मूले पुट करें सी कैपेसिटेंसेस, कैपेसिटेंस इज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू वी का फार्मूला क्या बनता है 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई आर, क्यू से क्यू काट दें तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज कितना आएगा 4 pi epsilon naught r, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला बनता है इसका 4 pi epsilon naught r। देखिए इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ एक स्पीयर की तरह काम करता है, अर्थ के पास भी चार्ज हो सकता है, तो अर्थ कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा अर्थ का, इससे निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, व्हाट इज द, अगर हमको निकालना हो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 6400 10 की पावर 3, या इसको 6 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ मीटर। पुट करें यहाँ पे वैल्यू, कितना वैल्यू होगा C इज इक्वल टू 4 pi, कितना है 3.14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कितना वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट का, इट इज 8.85 10 की पावर -12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 64 10 की पावर 5। ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द आंसर 0.7111 10 की पावर -3 फेरेड। यस को लिख सकते हैं 7111 10 की पावर -6 फेरेड, या फिर 711 माइक्रो फेरेड। मैंने क्या बोला था, 1 फेरेड बहुत बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा अर्थ भी क्या करता है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 711 माइक्रो फेरेड। तो जो माइक्रो है वही यूनिट मोस्टली यूज़ करते हैं, फेरेड बहुत बड़ा यूनिट बनता है, उसका यूज़ नहीं करते हम लोग। ठीक है, दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपेसिटर क्या होता है, आपने देखा होगा कैपेसिटर को रियल लाइफ के अंदर बहुत सी जगह पर ही देखा होगा, आपने देखा पंखे के अंदर एक बल्ब जैसा लगा होता है, सॉलिड सिलेंडर जैसा कुछ चीज़ें लगी होती है, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसर बोलते हैं उसको हम लोग, वो कैपेसिटर ही होता है। मोस्टली हर डिवाइसेस में कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर क्या होता है और कैसे काम करता है हमको यहाँ पर पढ़ना है। कैपेसिटर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए एक बार लिख लीजिए इसको, बाद में बताएंगे आपको, राइट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में इसको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। ठीक है, बहुत सी जगहों पे लगे हुए हैं, बहुत सी जगह पर आपने देखे भी होंगे, हर जगह पे ये कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, बताएंगे आगे। अब क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है। तो देखिए मैं सिंपल से एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर ए मान लेते हैं, कंडक्टर ए, इसको मैंने चार्ज किया या चार्ज दिया इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन ये है ये कितना चार्ज लेगा। हर एक कंडक्टर का एक एबिलिटी होता है चार्ज को स्टोर करने का, उसको हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। उसके ज़्यादा उससे ऊपर चार्ज को दिया जाएगा तो चार्ज का लीकेज कर देगा, अभी चार्ज का क्या कर देगा, ये लीकेज, यानी इसी कैपेसिटी से ज़्यादा इसको चार्ज किया जाए ये चार्ज को बाहर छोड़ देगा अपना। ठीक है, वो हमको नहीं करवाना। क्वेश्चन ये है मैं इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ, कैसे इसकी कैपेसिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास एक बाल्टी है मान लेते हैं जिसके अंदर 10 लीटर पानी आ सकता है, मैक्सिमम कितना सकता है इसके अंदर 10 लीटर पानी आ सकता है। क्वेश्चन ये मेरे इसको इसके अंदर 20 लीटर पानी डालना है, ऑब्वियस है पानी का क्या होगा, लीकेज होगा, बार और फ्लो करेगी बाल्टी यहाँ से, लेकिन आपको ओवरफ्लो नहीं करवाना और आपको इसके अंदर 20 लीटर पानी डालना है,
तो कैसे डाल सकते हैं? तो मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल मजाक की फॉर्म में, अगर मैं नीचे से होल कर दूँ तो इसमें कितना ही पानी डाल लीजिएगा, पानी नीचे से चला जाएगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, एक टर्म में बोल सकते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे यही करना है, आपको क्या करना है, एक पार्ट क्या करना है, अर्थ करना है, जिससे वो नीचे से कहाँ चला जाए, सारा अर्थ में चला जाए। अब इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है, देखिए कैसे करेंगे। मैंने बोला था हमारे पास कोई कंडक्टर है ए, जिसको मैंने एक मैक्सिमम लिमिट तक मैंने क्या किया, इसको चार्ज किया, यानी इसका पोटेंशियल क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, क्योंकि आपको पता है क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। अगर चार्ज मैक्सिमम किया तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इसका मैक्सिमम हो चुका होगा। अब इससे ऊपर चार्ज ले नहीं सकता ये, तो क्या करेंगे, इस कंडक्टर के पास, कंडक्टर वही है हमारे पास, ए कंडक्टर था, इस कंडक्टर के पास मैंने क्या किया, एक और कंडक्टर रख दिया, इट इज कंडक्टर बी। ठीक है, कौन सा कंडक्टर है ये, बी कंडक्टर। ड्यू टू इंडक्शन इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस पे बन जाएंगे, ये इसको बोलते हैं चार्ज बाई इंडक्शंस। ठीक है, अब देखिए इसका पोटेंशियल मैक्सिमम था, अभी पहले मैंने इसमें मैक्सिमम किया था, मैक्सिमम, इससे ऊपर चार्ज ले नहीं सकता ये। अब देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला इस पॉजिटिव पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करेगा, नेट पोटेंशियल हम ऑब्जर्व करें पूरे कम्बिनेशंस का, देखो क्या होगा, इसका मैक्सिमम था पहले, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो चार्ज है इसका जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव, वो इसके पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक चार्ज को, एक चार्ज का पोटेंशियल बढ़ा रहा है, एक चार्ज का पोटेंशियल घटा रहा है, अच्छा कौन सा है, इफेक्टिव क्या होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नज़दीक है इसके, तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को घटाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। नेट इफेक्टिव पोटेंशियल क्या आएगा, पहले से घट के आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक है इस पॉजिटिव के, यानी नेट जो कैपेसिटेंस है, या सॉरी नेट जो पोटेंशियल है, पहले से क्या हो गया, कम हो गया, पहले मैक्सिमम था अब इसे कम हो गया। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको मैं थोड़ा चार्ज दे सकता हूँ और, समझ में आ रहा है, वी कम हो गया पहले से तो थोड़ा चार्ज और दे दिया मैंने, ये बोल सकता हूँ इसकी कैपेसिटी मैंने पहले से थोड़ी सी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अब क्या करें, वही कंडीशन है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी, ये कनेक्टर बी है हमारा, इसका कैपेसिटेंस अब मैक्सिमम हो चुका था, दोबारा से मैक्सिमम क्या हो चुका था, इसकी वजह से हमने इसको क्या किया, और चार्ज दे दिया गया, दोबारा से क्या हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, वी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर गई, वी इंक्रीज करने से कैपेसिटी क्या होगी इसकी, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर दिया, बी के इस पार्ट को मैंने ग्राउंड कर दिया, तो सारा पॉजिटिव जो था वो कहाँ चला गया, वो ग्राउंड में चला गया, यानी जो हेल्प इसको यहाँ से मिल रही थी वो हेल्प कहाँ चलेगी, सारी ग्राउंड में चलेगी। अब सिर्फ क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल मैक्सिमम था, अब ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, सिर्फ घटाएगा, यानी इसका पोटेंशियल घटा तो चार्ज की वैल्यू भी घटेगी, चार्ज की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं बाहर चार्ज दे के, इसी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए जब पानी कम होगा बाल्टी में तभी पानी डाल सकते हैं हम उसके अंदर, तो यहाँ से क्या किया, जो पॉजिटिव तो सारा कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर चला गया, और ये नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल घटा, और इस कम हुए पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, इसको और चार्ज दे दिया। यानी इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या फ़र्क है, इसकी चार्ज की कैपेसिटी कम थी, फिर थोड़ी सी बढ़ाई मैंने यहाँ से, अब और बढ़ गई है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, चार्ज लेने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो चार्ज है जो इसके अंदर बचा हुआ है, अभी ये चार्ज स्टोर हो चुका है किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव लाइंस कहाँ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी, तो चार्ज स्टोर हो गया इन टर्म ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस डिवाइस इज कॉल्ड ए कैपेसिटर, इस डिवाइस का नाम क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, राइट कीजिए एक बार, इसको डायग्राम बनाओ, तीनों लिखिए,
वी हैव ए कंडक्टर ए एंड वी गिव चार्ज क्यू विद द मैक्सिमम लिमिट टू द कंडक्टर ए सो दैट पोटेंशियल बिकेम मैक्सिमम आगे लिखिए देन वी प्लेस ए अनदर कंडक्टर बी नियर टू द कंडक्टर ए सो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर बी ओके आगे लिखिए द नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए बट नेगेटिव इज मोर इफेक्टिव देन पॉजिटिव सो दैट नेट कैपेसिटेंस नेट पोटेंशियल ऑफ द कम्बिनेशन इज डिक्रीज ओके सो वी कैन गिव मोर चार्ज टू द प्लेट ए टू इंक्रीज द पोटेंशियल मैक्सिमम आगे लिखिए देन वी कनेक्ट कंडक्टर बी टू द ग्राउंड सो दैट पॉजिटिव चार्ज गोज टू द ग्राउंड एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए सो नेट पोटेंशियल इज डिक्रीज एंड वी कैन गिव द चार्ज टू द कंडक्टर ए अप टू द मैक्सिमम लिमिट ओके सो वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ए इन डायग्राम 3 we observed that charge is stored on the plate in term of electric field this device is called capacitor okay and it is the principle of the capacitor hum kisi capacitor ki capacity increase kaise kar sakte hain uske second part ko ground karke to har capacitor ka principle yahi hai how we store the charge in the टू प्लेट्स इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इट इज़ द कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल